दीन की तालीम हासिल की। बोकन शरीफ ज़िला गुजरात के अंदर एक इदारा है, वहाँ से फिर बेरा शरीफ हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह, फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से LLB किया, फिर 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका में सेटल, और वहाँ जाकर भी मैंने मर्सी कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप किया, और उसके बाद फिर इंडियाना से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD इस्लामिक स्टडीज़ किया। ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, पब था, शराब खाना था, जब हमने रेंटिंग बिल्डिंग ली 12 दिनों में हमने उसको शराब खाने को अंदर से डिमालिश करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको खाना खुदा बनाया, इस्लामिक सेंटर में कन्वर्ट किया, 5 वक्त नमाज के लिए और जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए जो है, जिसमें 3 बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान मजीद मुकम्मल किया। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ $1.5 मिलियन की अपनी इदारे की बिल्डिंग खरीदी है। बहुत सारे नौजवान जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं उनको हमने जो है वो मुसलमान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आफ्टर 1 or 2 months एक या दो लोगों को मैं ज़रूर मुसलमान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डायरेक्टर हैं ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर USA के, और इसके साथ साथ वो चेयरमैन हैं ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल के। ये बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से इनकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों को अमेरिका में मुसलमान कर चुके हैं, और इसके साथ साथ इंसानियत और इंसानी हकूक़ पर हमेशा बात करते हैं और ज़ोर देते हैं, और इसी हवाले से अमली खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात में इंसानियत की खिदमत का दर्स किस हद तक मिलता है, और वो इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में किस तरह शामिल किए हुए हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज़ अहमद चिश्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दीनी उलूम और दरसो तदरीस की तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? बहुत शुक्रिया अली रहमान साहब, सबसे पहले तो कासम अली शाह फाउंडेशन और आपका बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बुनियादी तौर पर मैंने दीन की तालीम हासिल की। बोकन शरीफ ज़िला गुजरात के अंदर एक इदारा है, वहाँ से फिर बेरा शरीफ हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अला ज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इदारा है, और दीनी तालीम की तकमील के बाद फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से LLB किया, और फिर 5 साल लॉ कॉलेज में इस्लामिक लॉ पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, जूरिसप्रूडेंस और फैमिली लॉस पढ़ाए मैंने, और उसके बाद फिर 2007 से अमेरिका और बरतानिया का विज़िट होता रहा, फिर 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका में सेटल, और वहाँ जाकर भी मैंने मर्सी कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप किया, और उसके बाद फिर इंडियाना से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD इस्लामिक स्टडीज़ किया। तो इस एतबार से करके जो है वो ये सफ़र सरजमीन गुजरात बोकन शरीफ पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब की सरप्रस्ती में शुरू होता है और अमेरिका में जाकर इसकी तकमील होती है। सर, ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर ये किस तरह से काम कर रहा है और खिदमात अंजाम दे रहा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माशाल्लाह, ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये हमने बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊंगा कि एक पब था, शराब खाना था, जब हमने रेंटिंग बिल्डिंग ली, और इत्तेफाक ऐसा है अली रहमान साहब कि मैंने रोज़ा रखा हुआ था और वहाँ जो पानी की बॉटल्स भी पड़ी हुई थी जब कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर रहे थे, तो मैंने वो पानी भी नहीं पिया, मैंने कहा शायद, तो देखा तो जेब में खजूर थी। तो 12 दिनों में हमने उसको शराब खाने को अंदर से डिमालिश करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको खाना खुदा बनाया, इस्लामिक सेंटर में कन्वर्ट किया, 5 वक्त नमाज के लिए और जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए जो है, तो 5 साल उसने फंक्शन किया एज ए मस्जिद, एज ए इस्लामिक सेंटर, एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जिसमें 3 बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान मजीद मुकम्मल किया, जो अमेरिकन बॉर्न बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, और वहाँ ग्रो हो रहे हैं और वहाँ से उनकी स्कूलिंग हो रही है, ग्रोथ सारी अमेरिकन कल्चर में है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बच्चों को दीनी तालीम दी, और 5 साल के इस फंक्शनिंग के नतीजे में अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ $1.5 मिलियन की अपनी इदारे की बिल्डिंग खरीदी है।
तो जिसमें जो है वो तमाम जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, गैर मुस्लिमों को इनवाइट करते हैं और रेगुलर जो पांच वक्त नमाज, जुमा और जो तकरीबात हैं दीनी, मिलाद शरीफ की और दीगर पाकिस्तान से जो पीरान उज़ाम उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं वो हमारे इदारे में ज़रूर आते हैं, वहाँ लेक्चर डिलीवर करते हैं और कम्यूनिटी के साथ मुलाकात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी मल्टी फंक्शनिंग है ज़ियाउल करीम इस्लामिक सेंटर की, मस्जिद के तौर पर भी और रिलीजियस इंस्टीट्यूट के तौर पर भी, मदरसा के तौर पर भी, एक कल्चरल इंस्टीट्यूट के तौर पर भी कि हम उस मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर सबसे बढ़कर यह है कि वहाँ हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत भी देते हैं। सर, वहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी का क्या रोल है और उसका क्या किरदार है? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो वहाँ बड़ी एक तो स्ट्रगलिंग फेस में है कि एक अमेरिकन कल्चर में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ के सिस्टम में पेनिट्रेट हो रही है और पहले जो पहली क्लास गई, पहले लोग गए, पहली जनरेशन गई, वो स्ट्रगलिंग फेस के उस में थी कि वो कमाएँ और वहाँ इस्टेब्लिश हों। अब दूसरी और तीसरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाकर NYPD जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है उसमें और लेजिस्लेटिव के इदारों में और जुडिशरी में अब लोग हमारे आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा वहाँ रोल प्ले कर रही है, एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, अमेरिकन मुआशरे के अंदर, और अच्छा इमेज अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट कर रही है। सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे आपके इदारे की खिदमात की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, वो कैसे हुआ? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान जो लड़के हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको हमने जो है वो मुसलमान किया है। उनके फिर जो नाम थे वो नाम भी हमने फिर इस्लामी रखे हैं, किसी का डेविड है, किसी का क्रिस्टीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट आफ्टर 1 or 2 months एक या दो लोगों को मैं ज़रूर मुसलमान करता हूँ, कलमा पढ़ाता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद जिनका इस्लाम की तरफ रुझान होता है और कुछ लोगों को हम इस्लाम की दावत देते हैं। और जब मैं उनको अरेबिक में मुसलमान जो कलमा शरीफ है पढ़ाने के बाद फिर ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, और उसके बाद फिर मैं उनसे क्वेश्चन भी करता हूँ कि हाउ डू यू फील, अब आपकी इंटरनिंग फीलिंग्स क्या है? क्योंकि जो कुफर और शिर्क का बर्डन है ना, ये इंसान को बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट का एक लेवल इंसान का जाता है। जब इस्लाम आता है ना तो इंटरनली इंसान बड़ा सेटिस्फाई फील करता है, क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि इस्लाम सबका सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो ये तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अब तो वो कहते हैं कि हम पीस, इंटरनली पीस फील कर रहे हैं, मेंटली हम सेटिस्फाई हैं। तो मुझे फिर हुजूर के इरशाद पाक की सदाकत अपनी आंखों के सामने नज़र आती है कि हुजूर ने फरमाया कि इस तरह जिस तरह पहले दिन माँ के पेट से बाहर आया है और अल्लाह ताला गुनाहों से पाक कर देता है। और फिर वो लोग आगे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो हेजिटेट करते हैं जी अभी फैमिली को ना पता चले, और कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो आगे फिर लोगों को मज़ीद इस्लाम की दावत देते हैं। और अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, ये तो हमारा इदारा न्यूयॉर्क में है, वो फिलाडेल्फिया में है, वो फिलाडेल्फिया में जो है वो वहाँ पर उन्होंने एक पूरा एक सेंटर बनाया कि जहाँ उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप जिनको मुसलमान करें उनको हम पूरा एक वीक के लिए हम उनको वहाँ ठहराएंगे, उनका टिकट हमारी तरफ से होगा, वो कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनका खाना होगा, उनकी फिर इस्लामिक ट्रेनिंग करेंगे ओके, वो आपने इस्लाम के रूह के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी बसर करनी है और पीसफुली लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। सर, मुझे ये बताइएगा कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम इनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल है, आपने इन दोनों को कैसे मैनेज किया? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन फरमाया। हमारे उस्ताद हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जो आलम दीन है उसकी दोनों आँखें रोशन होनी चाहिए। कि ये एक खलीज थी, एक गैप था कि मिस्टर और मुल्ला का, कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हैं उनकी सिचुएशन ये थी कि वो बहुत हाईली उनके पास एजुकेशन होती, बड़ी डिग्रीज होती, लेकिन दीनी तालीम ना होने के बराबर सम टाइम ऐसा होता सा औकात के बाप मरता है जनाजे की नियत नहीं आती।
दूसरी तरफ दीन का इल्म हासिल करने वाला वो कुरान ने पाक का इल्म हासिल कर लिया, हदीस का कर लिया, फ़िका का कर लिया, सूले फ़िका का कर लिया, इल्म बलागत पढ़ लिया, सर्फ़ पढ़ लिया, नहव पढ़ लिया, लेकिन दुनियावी तालीम ना होने की वजह से बैंक में जाकर वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जदीद दुनिया के एतबार से वो बिल्कुल ब्लाइंड नज़र आता। तो पीर साहब ने सबसे पहले अलाज़र यूनिवर्सिटी में पढ़ के जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने मदरसे में सिविक्स लाए, इकोनॉमिक्स लाए, इंग्लिश लाए। उस वक्त बाद लोगों को ये शुबा हुआ कि शायद ये कोई इस्लामी उलूम के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि साहिब फरासत व बसीरत इंसान जो होता है वो इकबाल ने कहा ना, खोल कर आँखें मेरे आईना अफकार में आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख। तो जो विजनरी पर्सनैलिटी है ना, वो 50 साल आगे सोचती है कि हमारी जनरेशन ने आगे किस तरह जाना है। तो मेरा रुझान तो पीर साहब की उस सोच और फिक्र के मुताबिक और तरबियत के मुताबिक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि दीनी तालीम हासिल की और मुकम्मल की जो मदारस की होती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से लॉ किया, उसके बाद फिर बिजनेस में मास्टर्स किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया। तो दीन बुनियाद हो, उसके बाद फिर दीन कहता है जितना आप आगे अपॉर्चुनिटीज़ है आप अवेल करते चले जाएं। सर, आपका एक इदारा है जो लोगों की खिदमत कर रहा है, ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल, सर ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह से लोगों के काम आ रहा है? जी, ये बेसिकली हमारे ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर के साथ, वो तो एक रिलीजियस है और ये एक चैरिटी टाइप है, एक वेलफेयर का इंस्टीट्यूट है ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका के अंदर भी जो होमलेस लोग हैं उनमें हम फूड तकसीम करते हैं कि ताकि इस्लाम का जो सॉफ्ट इमेज है वो लोगों के सामने आए। देखिए, मीडिया ने एक बड़ा अजीब किस्म का इस्लाम और पाकिस्तान का एक चेहरा जो है दिखाया। मीडिया चीज़ों को पोर्ट्रेट करता है, कन्वर्ट्स ब्लैक इंटू वाइट एंड वाइट इंटू ब्लैक ओवर द नाइट, चीज़ों को बदलता है। तो जो अवाम है ना, उनको हमने ये कोशिश की दिखाने की कि हम इस्लाम एक दीन रहमत है और हम ह्यूमन राइट्स की जो आप बात करते हैं, मैं इसमें एक जुमले का इजाफा करूं कि मैं यूनाइटेड नेशन के सामने भी जाकर गुफ्तगू की, मुस्लिम डे परेड होती है, मैंने कहा हम मार्टिन लूथर किंग की जो स्ट्रगल है ह्यूमैनिटी के लिए, जो सर्विसेज हैं हम उसको तस्लीम करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दुनिया ये भी तो देखे ना कि 150 साल पहले आप जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जदोजहद करते हैं बेस्ड ऑन कलर एंड क्रीड एंड एथनिसिटी, लेकिन ये भी तो देखें कि 1500 साल कबल पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेग्रो स्लेव हबशी गुलाम बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया है, और ये छत पर चढ़ाना हुजूर ने डिमोलिश किया है तमाम बुतों को जो रंग नस्ल इलाका ट्राइब की बुनियाद पर कायम थे। और यहाँ मुझे एक ब्रिटन फिक्शन राइटर की बुक का एक जो है वो पैराग्राफ याद आता है, उसने कहा द सर्मन्स ऑफ ह्यूमन इक्विटी एंड इक्वालिटी वर सेट बिफोर बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट इट वाज ओनली मोहम्मद हु फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड अ सोसाइटी बेस्ड अपॉन दीज प्रिंसिपल्स, कि इंसानी हकूक, इंसानी मसावात, इंसानी बराबरी, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी अजमत, इसके लेक्चर कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स दुनिया में बड़े हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि इसके ऊपर मुआशरा सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है। तो मैं उनको वहाँ कहता हूँ कि हम मार्टिन लूथर किंग की जो स्ट्रगल है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप सिर्फ मीडिया पर ना जाएं, आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कितने हुकूक दिए हैं, इंसानों को कितने हुकूक दिए, जानवरों को हुजूर ने कितने हुकूक दिए हैं, हुजूर ने लेबर्स के बारे में क्या कहा है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले जो है उसका जो है दिया जाए। तो ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल हमने रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ कलर और क्रीड, हम यहूदियों को भी जो ज़रूरतमंद हैं हम उनकी मदद करें, हम ईसाइयों की भी मदद करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ जो है वो होमलेस में खाना तकसीम किया तो हमने साथ उनको कहा कि अगर आप इफ़ यू लाइक यू कुड रीड और होली कुरान, तो हमने कुरान मजीद तकसीम किए इंग्लिश में, स्पेनिश में तकसीम किए, और वहाँ जो लोग आए फूड लेने के लिए उन्हें। तो फिर उसके प्रोजेक्ट्स हम आज़ाद कश्मीर में भी कर रहे हैं कि वहाँ जो है कोई नागानी आफत आती है, पाकिस्तान में कुर्बानी का प्रोजेक्ट है, रमज़ान पैकेज है, जो ज़रूरतमंद विडोज़ हैं, ऑर्फन्स हैं, नीडीज़ हैं, उनमें हम जो है वो पैकेजेस तकसीम करते हैं ताकि पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर ममालक में जहाँ भी नेचुरल डिज़ास्टर आए और वहाँ कोई इंसानी मुख्तलिफ मराहल से इंसान गुजरे तो हम ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल वहाँ जाकर इंसानों की मदद करें।
सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहते हैं, उनको आप कौन सी ऐसी किताबें रिकमेंड करेंगे जिसको वो पढ़ें और उसके बाद वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीख सकें? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें ज़ियाउन्नबी जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की ने सीरत नबी पर काम किया है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जिसमें ज़्यादा ज़रूरी जिस पहलू को उजागर करना है वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इबादत का पहलू तो अपनी जगह पर है। हुज़ूर की जो इंसानों के साथ मोहब्बत है वो इस दर्जे की है कि ये जितने भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, इनको अंदाज़ा नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले जो इस्लाम की बिगनिंग में हुज़ूर ने जो मैसेज दिया है ना, आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, इंटरनेशनलिज्म की बात करती है, वो कहती है जी मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, आप वर्ल्ड को एड्रेस करें, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब शुरू की इस्लाम की दावत देना तो हुज़ूर ने मक्का का टाइटल इख्तियार नहीं किया, अरब का टाइटल इख्तियार नहीं किया, फरमाया अय्युहन्नास कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, या अय्युहन्नास ए लोगो ए लोगो। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इंसानों की ह्यूमन डिग्निटी की बात की तो हुज़ूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया अय्युहन्नास इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम इला अन तल्कु रब्बकुम का हुर्मत शहरकुम हाजा व फी बलदकुम हाजा। हुज़ूर ने फरमाया जिस तरह ये मक्का शहर इज्जत वाला है ना, तमाम लोगों की इज्जत, उनके राइट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये इसी तरह हुर्मत वाली हैं, वो मक्का अल्लाह के घर की तरह हर इंसान की इज्जत है। उसमें हुज़ूर ने अय्युहल मोमिनून नहीं फरमाया ऐ मोमिनो, अय्युहल मुस्लिमून नहीं फरमाया मुसलमानों, अय्युहन नास कहा ऐ लोगो। इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो यह है कि हुज़ूर वर्ल्ड पूरी को एड्रेस फरमा रहे हैं, हुज़ूर का शुरू में भी जब दावत दी कुल या अय्युहन नास कुल ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें भी, और फिर खुतबा हज्जतुल विदा उस पैगंबराना जद्दोजहद के इख्तिताम पर भी हुज़ूर वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, इंसानी अजमत की बात करते हैं और इंसान को वैल्यू करते हैं, मगर भी दुनिया ने इन चीज़ों को बहुत जो है वो लिया है, और हम उसका सोर्स जो है कुरान मजीद है, सोर्स सुन्नत रसूल है। सिर्फ मीडिया ने जो माइंडसेट बनाया कि एक एक्सट्रीम इमेज लोगों के सामने रखा कि ये बड़े खौफनाक होते हैं, बड़े दहशतगर्द होते हैं, ये मरने मराने से कम की बात नहीं करते, इस्लाम खैरखाई का दीन है, हुज़ूर ने दीन की तारीफ ही ये की है अद्दीन व नसीहतुन, दीन खैरखाई का नाम है, किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए, मुसलमान आइमा के लिए और आम इंसानों के साथ खैरखाई का मामला। तो इस वजह से करके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जनरेशन को हम ये पैगाम देते हैं कि वो रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा के ये पहलू पढ़ें ज़रूर, जिसमें इंसानी खैरखाई, हमदर्दी, इंसानी अजमत, भलाई के पहलू हैं, तो उसके नतीजे में बहुत सी बरकतें नसीब होंगी। सर कासिम अली शाह साहब के आपने वीडियो लेक्चर्स भी सुने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन है, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? जी कासिम अली शाह साहब बेसिकली एक सिक्का राइजुल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अंदाज से उन्होंने दीन का, तालीम का, इंसानियत का काम शुरू किया और हर आने वाला दिन जो है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेहतर जा रहा है। कुरान मजीद का एक असूल है, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो जाग है ना, फ़अम्मज़ाबत, जो जाग है वो बेसलेस होती है, मतलब आपको ढेर नज़र आते हैं स्नो के लगे हुए या जाग के लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो कुरान मजीद का असूल ये है कि जो चीज़, और दूसरा साथ का अम्मा मा यनफ़ानास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो फ़र्द, जो इदारा लोगों के लिए नफ़ा बख्श होता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम उसको दुनिया में इस्तमरार अता कर देते हैं, दवाम बख्श देते हैं, हर आने वाला दिन उस शख्स और उस इदारे की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है जिसका वजूद इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श होता है। नफ़ा बख्शी यही है कि आप किसी की खैरखाई करें, जो भूखा है उसको खाना खिलाएं, जो अनएजुकेटेड है उसको एजुकेट करें। कासिम अली शाह साहब ने अपनी अपने लेक्चर जो है उनके लेक्चरशिप सीरीज़ है उनके ज़रिए नौजवानों की सोच बदली है, घरों में बहुत सारे लोगों, और ये अली रहमान साहब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में लोग कासिम शाह साहब को सुनते हैं, कनाडा में जो है वो लोग कासिम अली शाह साहब को सुनते हैं, बरतानिया में सुनते हैं, यूरोप में बहुत सारे घरों के जो उलझे हुए मसाइल हैं उनमें कासिम शाह साहब के जो लेक्चर्स हैं वो मुफीद साबित हो रहे हैं। मियाँ बीवी के इख्तलाफात हैं,
तो वो लेक्चर सुनने के बाद दूर हो जाते हैं, बाप और औलाद के इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाते हैं। तो कासम शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसा एक जामे किस्म का काम कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह ताला उनसे ये काम ले रहा है कि जिसमें खैर ही खैर है पाकिस्तान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, इंसानियत के हवाले से। तो मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनके इस काम को और ज़्यादा वसत और बरकत अता फरमाए और उनके वजूद को मज़ीद मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहबाज अहमद चिश्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी गुफ्तगू सुनना चाहते थे, बिलखसूस इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।